तो रहा है। प्रश्न क्या है, एक नंबर इसमें होता है जीरो से दो और लास्ट कितना आ, उसके बाद कितना लास्ट कितना बारह से चौदह है। देखो जीरो से दो, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से दस, दस से बारह और बारह से चौदह। देखो यहाँ तक देखिए, अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, सोलो इसमें क्या गुण निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही गुण निकालेंगे, थोड़ा छोटा लिखते हैं। अब देखो उसके बाद बारंबारता कितना, वही उसके बाद जो है क्या है उसमें दिया हुआ है, हाँ घरों की संख्या, उसको बारंबारता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बारंबारता। बारंबारता कितना कितना, दो तीन हो गया। ये चीज दो चीज तो प्रश्न में दिया हुआ रहता है, नहीं रहता। ये देखो बहुत इजी है, थोड़ा अगर ध्यान दोगे ना अभी तो तुरंत बन जाता है, लेकिन ध्यान देना पड़ता है थोड़ा। उसे हट जाओ जी, दीवाल है नहीं समझते, नया जुड़ा है, टूट जाएगा फिर कहाँ से जुड़े। तो ये क्या किए, ये बारंबारता है, हटो तुमको अलग से कहना पड़ेगा। तो क्या है, देखो ये हो गया बारंबारता है, और ये जो दिया हुआ है यह वर्ग अंतराल है ना। इसमें क्या करे, थोड़ा ध्यान दो बढ़िया, अगर ध्यान दे दोगे तो एक बार में ही सीख जाओ। उसे हटो ना, उधर देखो पांच इंची घसक गया हुआ है कि नहीं। देखो तो ये जो है बारंबारता है, अब हमको क्या निकालना है, इससे देखो इसमें दो गो और निकालना पड़ता है, एगो ही रहा एगो और इधर निकालना पड़ेगा। ये जो निकालेंगे ना सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ तो यही रहता है, सिग्मा एक्स निकालेंगे, ठीक है। ये हुआ सिग्मा एफ, यह सिग्मा एफ, ठीक है, ये सिग्मा एफ होगा, ये सिग्मा एक्स होगा, और ये जो लिखेंगे सिग्मा एफ है, क्या होगा, ये ऐसे जो रहता है इसको सिग्मा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, सिग्मा पढ़ा जाता है। आप देखो इस सिग्मा एक्स हमें कहाँ से लाएंगे, इतना नहीं दुगो दिया हुआ, नहीं ना दिया हुआ, इसी को निकाल, बाकी जो हिसाब है तुरंत ही बन जाएगा, इसका आंसर तुरंत आ जाता है, बस ये दुगो निकालने में थोड़ा देरी लगता है कि नहीं। तो थोड़ा अगर यदि बढ़िया से गहराई से इसके पीछे ध्यान दे दोगे तो अभी तुरंत सीख जाओगे, और जो अभी तुरंत सीख जाओगे समझ लो उसको हम जो है ना निश्चित रूप से इनाम देंगे। देखो ये क्या करेंगे, देखो ये कहाँ से लाएंगे सो बताते हैं, कि सिग्मा एक्स जो लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं ये बताते हैं। देखो ये जीरो और दो है नहीं, आए छोड़ो ना, अरे हम दिखे या ना दिखे बोर्ड तो दिख रहा है ना, तो हो गया है। देखो है, देखो ये दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, यानी कि दो से सम भाग देते जाएंगे, ठीक है। तो जीरो में दो जोड़ेंगे तो कितने होगा, दो होगा कि जीरो दो होगा, दो होगा ना, दो होगा, और दो को फिर हम दो से भाग देंगे तो क्या होगा, एक होगा ना, यानी आधा कर दिया जाएंगे। यहाँ कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद आधा कर दिए तो कितना, ये दोनों को भी जोड़ देते हैं कितना हुआ, छ हुआ नहीं, छ का आधा कितना होता है, तीन होता है, तीन होता है। इसका भी वही हाल करेंगे जो इससे ऊपर वाले का किया, चार दू कित छ चार कितना होता है, दस का आधा कितना होता है, जो गति इसका हुआ न वही गति इसका भी करेंगे, है कि नहीं। तो इसका क्या करेंगे, आठ और छ कितना होता है, तो चौदह को फिर दूसरे भाग देंगे तो नहीं, आधा मतलब दूसरे भाग देने का मतलब आधा करना है, तो कितना होगा सात, ये दोनों को भी वही हाल करते हैं, कितना होगा कितना होगा, इसका भी वही काम करते हैं, कितना हुआ बाईस, बाईस का था आई कितना हुआ छब्बीस, छब्बीस का था, देखो निकल गया, ये तो निकल गया,
इसीलिए कहे जोर जिसको आएगा वही निकाल सकता है कि नहीं। और जिसको जोर नहीं आएगा वो कहाँ से निकालेगा, है बहुत आसान है कि नहीं। ई निकल गया तो समझो हिसाब तुरंत बन जाता है। इसीलिए इसमें जोर घटाव गुना भाग ये सब ठीक रहना थोड़ा जरूरी होता है कि नहीं। तो देखो ई निकल गया, ई निकालने का तरीका समझ गए, सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कहाँ से लाए, वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ दिए हैं ठीक है, और जोड़ने के बाद उसको आधा कर दे गए, ये दोनों को जोड़ दिए उसका आधा किए, ये दोनों को फिर जोड़ के आधा कर दिए, फिर ये दोनों को जोड़ करके आधा कर दिए, है कि नहीं। तो निकल गया ही, अब हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, क्या निकालना है सिग्मा एफ एक्स। देखो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालें, ये तो और आसान है, ये जो है ना सबसे आसान है, का सबसे आसान है, ये तो पहले से निकला है, ये अभी हम निकाल लिए, तो दोनों को गुना करते चल जाते हैं, समझ रहे, इसको और इसको जब हम गुना कर देंगे समझ में निकल गया, एक को एक से गुना किया कितना, इसको इससे गुना किया कितना, आ इसको फिर कर देंगे और इसको भी कर देते हैं 35 और इसको भी कर देते हैं 54 और इसको और इसको, देखो कितना आसान, कुछ लगा इसमें कुछ हुआ, बहुत तुरंत बहुत आसान है ये निकालना, बहुत अगर अभी सीख जाओगे समझो चैप्टर अभी तुरंत सब बन जाएगा, ध्यान दोगे तुरंत तब, जिसका ध्यान रहेगा घर पे है कि अभी जा रहे हैं घर पे का खाना बना होगा खाने के लिए, है कि नहीं, तो उसको क्या दिमाग में थोड़ी आते है, सीधा बैठो है कि नहीं। देखो ये निकल गया, अब हमको निकालना क्या है, आंसर तो निकालेंगे, तो देखो इस बारंबारता वाला जो है इस सबको जोड़ लेते हैं, देखो दो आ एक तीन एक चार आ चार आ पाँच नौ छः पंद्रह दो सत्रह तीन बीस, सिग्मा आप कितना निकला 20। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं सिग्मा आया, सब कुछ जोड़ लेते हैं, छः एक सात पाँच बारह पाँच सत्रह सत्रह चार इक्कीस इक्कीस आ नौ तीस और तीस आ दो बत्तीस क्या दो तीन बचा तीन आ तीन छः दो आठ पाँच तेरह तीन सोलह कितना है सिग्मा एफ एक्स कितना निकल, कुछ लगा इसमें ही कहो इसमें कुछ है, अभी आंसर थोड़ी आएगा जी, अभी थोड़ा और इसमें देखो जब तक इसको पूर्ण रूप में नहीं सजा देंगे तो आंसर थोड़ी आएगा नहीं, इसीलिए इसको पहले सजावट करने दो तब आंसर देखो है कि नहीं। तो देखो क्या 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 निकाले हैं सो देख लियो, सिग्मा एफ एक्स निकाले नहीं निकाले, और उसके बाद सिग्मा एफ निकाले कहाँ से निकाले ही समझ गए हो, इसको कहाँ से लाए ये भी समझ गए, क्योंकि ई अगर नहीं रहेगा तो ई कहाँ से आएगा है कि नहीं। तो दोनों को रहना, यदि सिग्मा एक्स नहीं रहता है सिग्मा एफ एक्स कैसे निकाले है कि नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं सो देखो, अब हम लिखते हैं माध्य बराबर, सूत्र लिखते हैं, देखो माध्य का सूत्र क्या होता है हमको यही ज्ञात करना है, माध्य ना भी सबका माध्य निकालना है, चैप्टर जो है माध्य वाला बताया गया ठीक है। तो अभी हमें किस क्या निकालना है, माध्य निकालना है, देखो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एम, ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है माध्य निकालना, और जब ये दोनों निकल गया तो मन रख करके भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 162 और सिग्मा एफ का मान कितना 20, भाग दे देते हैं नहीं 8 दूनी 16 दो एकम टू आंसर, माध्य कितना निकल गया सो देखिए निकल गया। तो देखो माध्य का सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, अब हमको माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ तो निकालना पड़ेगा नहीं, तो कहाँ से निकालेंगे, यही प्रक्रिया करना पड़ेगा तब ना निकलेगा, तो ये समझ गए कोई दिक्कत, तो समझ चैप्टर खत्म बना।